मैंने बिला वजह पापा पर शक किया। वो बिल्कुल ऐसे वैसे नहीं है, और असलान उस बेचारे को भी इतनी बातें सुनाई जबकि पापा और पड़ोसन के बीच कोई सीन ऑन ही नहीं था। अभी जाकर असलान से सॉरी कर लेती हूँ। जहाँ प्यार हो वहाँ ज़्यादा देर तकरार नहीं रहनी चाहिए। अजान, 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 अजान। अजान, अजान, अजान। हेलो अजलान, मैंने ना तो एक बहुत बड़ी बात बतानी है। और आप कौन? मुझसे पूछ रहे हो कौन बात कर रही हूँ? तुम कौन बात कर रही हो? अच्छा लगता है कि तुम अजलान के ऑफिस में कोई सेक्रेटरी या यू नो उस तरह से कोई बात कर रही हो, है ना? अच्छा, मुझे अजलान से बात करनी है, बहुत जल्दी बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। और वैसे भी अगर दिन में उनसे बात ना होना तो मेरा मूड थोड़ा सैड हो जाता है। आप कौन बात कर रही हैं? फिर वो स्टूपिड सवाल। मैं अजलान की बचपन की मंगेतर हूँ। हेलो, हेलो, मुझे अजलान से बात करनी है, बहुत जल्दी बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। और वैसे भी अगर दिन में उनसे बात ना होना तो मेरा मूड थोड़ा सैड हो जाता है। मैं अजलान की बचपन की मंगेतर। अमल, 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 कहाँ थे तुम? मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। तुम रो क्यों रही हो? किसी से झगड़ा हुआ है तुम्हारा? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ मुझे, मैं उसको ऐसा मजा चढ़ा के आऊंगा, याद रखेगा वो। अमल, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ताबी के होते हुए परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मुझे बताओ हुआ क्या है। तुम देखना, तुम्हें जिसने हर्ट किया है ना, मैं पूरी क्रिकेट टीम लेके पहुंच जाऊंगा उसके पास। इससे क्या हो गया यार? ओए ओ
ओए लड़की वालों के घर आना जाना लगा रहेगा, कितने कपड़े रखूं। ओए पता नहीं क्या पहनते होंगे कराची में लोग, उस हिसाब से कपड़े होंगे मेरे पास के नहीं, शॉपिंग भी कर लूंगी। असला ओ हाय सरानी, इतने सारे कपड़े हैं ना, तू हमें ये सहेलियों का कह के पागल तो नहीं बना रही? क्या हो गया भाभी जी, क्या कहना चाह रही हो, खुल के बोलो। खुल के बोल देती हूँ, मैं डरती हूँ तेरे से। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मुझे लगता है कि तू घर से भाग के जा रही है, तुमने जो कपड़े लेके जा रही है। घर से भागूंगी मैं, जरा सोच समझ के बोला करो भाभी जी। जब वजह थी तब मैं घर से भागी नहीं, इसी चार दीवारी में मैंने जिंदगी गुजार ली अपनी, अब क्या भागूंगी। फिक्र नहीं करो तुम, इज्जत को बट्टा नहीं लगाऊंगी। ये तो है, इसमें तो कोई दूजी बात नहीं है। मेरी बहन ने हमेशा मेरे फैसले के आगे सर झुकाया, कभी मेरे फैसले को चैलेंज नहीं किया। तो मैं भी मखौली कर रही थी, इसमें इतनी अकल कहाँ जो भाग ही गई होती। और वैसे वो साजा पान वाला ही अब रह गया है, तो क्या करना है बाजी उसका, वो बार बार फोन करता है, बता दे उसे क्या जवाब देना। एक दफा कराची से वापस आ जाऊ, अजलान से कह के साजे पान वाले का भी बंदोबस्त करवाती हूँ। मेरी सोनी बहन के लिए साजा पान वाला क्यों, और पान वाले मर गए हैं क्या? बेस्ट है शहर में वो। अच्छा खैर है, ख्याल रखना अपना है। मुझे जा रही है। प्लीज मेरे लिए 6 डब्बे सोन हलवे के जरूर लाने थे। 6 डब्बे सोन हलवे के फलवाना दी कुड़ी है भाई जी। सोन हलवे का तो पता नहीं, लेकिन मिठाई जरूर लेके आओ। ठीक है, चले जी भाई जी, ख्याल रखना अपना है, रब रखना। अच्छा भाई जी, मेरी मैना को ना दाना दिलवा दीजिएगा, और मेरे कमरे की सफाई करवा दीजिएगा, और मेरा बैग रखवा दीजिएगा गाड़ी में। हाँ मैं रखवाता। चले बच्ची। मेरी कभी आंख क्यों फड़क रही है भाई यार, आपने जो कमरे में नहाने की जगह दी है वो तो इतना ठंडा पानी आ रहा है, नहाया नहीं जा रहा उससे। और जो मुझे चादर दी है, मैं ना छोटा हूँ, सही है, मुझे रुमाल दे दिया, मैं पूरा ही नहीं आ रहा उसमें। अच्छा बात सुनो मेरी। हाँ। घर का ना कोना कोना चमकना चाहिए, आनी आ रही है मेरी, ये समझो कि घर की मालकिन आ रही है। अगर कोई भी शिकायत का मौका मिला ना तो छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे आप फिक्र ही ना करें, घर का कोना 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 चमका देंगे। आप सिर्फ ये बताएंगे खाना क्या बनाना है। हाँ खाने में मेरा ख्याल है मटर पुलाव। नहीं नहीं करेले गोश। चापे अगर छोटे के पाया हो ना। अरे चुप करो, वो कोई भी फैंसी खाना नहीं खाती है। काम करना, सादा से खाना बना लेना, और साथ में कबाब वगैरह बस। क्या हो गया बॉस, इतनी दूर से आने आ रही है, घास पर खिलाएंगे भाई, कोई धुम्बा शुम्बा हो जाए। ए, मुझे पता है ये धुम्बा बनाएगा कौन और खाएगा कौन। चलो लगो काम पे। अच्छा आदमी नहीं मिलाता मैं यार। चल आ जा, हाथ मिलाया था। अमल को बता दूं क्या? नहीं फिर सरप्राइज कैसे रहेगा, फिलहाल किसको नहीं बताता। ये इसका फोन क्यों ऑफ जा रहा है यार।